अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू में एक ऐसी बात कह दी जो बहुत ही शॉकिंग बात है, बहुत चौंका देने वाली बात है कि उन्होंने कौन कौन सी मूवीज छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ उनके एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत से शादी करने के लिए। सुशांत ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुद, क्योंकि उन्हें शादी करना था सुशांत से, इसीलिए उन्होंने ये सारी मूवीज छोड़ी। हैप्पी न्यू ईयर के बारे में उन्होंने बताया कि शाहरुख खान और फराह खान दोनों ही उनसे बात कर रहे थे इस बारे में। शाहरुख ने कहा था कि आई विल गिव यू अ ड्रीम डेब्यू अगर आप ये मूवी करेंगे तो, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया बिकॉज शी वॉन्टेड टू मैरी सुशांत सिंह राजपूत एंड नॉट गेटिंग इन टू द फिल्म एंड स्टाफ। उसके बाद संजय लीला बंसाली ने उन्हें बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म, जो कि इतनी बड़ी फिल्म रही, हम देख सकते हैं इतिहास, सबको पता है बाजीराव मस्तानी किस तरह की फिल्म थी, उसे उन्होंने मना कर दिया। गोलियों की रासलीला रामलीला को उन्होंने मना कर दिया। इतने अच्छे अच्छे डेब्यू उनके फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते थे, उन सबको उन्होंने मना कर दिया सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत से शादी करने के लिए। ऐसा अंकिता लोखंडे का कहना है। बोले, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसे भी दिन गुजरते थे जब मैं बेड पे केवल लेटी रहती थी बिना किसी से एक शब्द बात किए, सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत से शादी करने के लिए। ऐसा अंकिता लोखंडे ने कहा एक इंटरव्यू में। अब आप लोगों का क्या कहना है इस बात का, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और बने रहिए हमारे साथ सिनेस्पीक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद।